नमस्कार दोस्तों दोस्तों जनगणना का हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया था। अब आज हम लोग विश्व की जनसंख्या और नगरीकरण को देखेंगे, ठीक है। उसके 70 क्वेश्चन हैं, ये टेस्ट सीरीज है, इसको आप लोग देखिए, आंकिए कि आपको कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है, और जो नहीं आता उसको आप लोग कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड की जनसंख्या और नगरीकरण है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। शेयर आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ये फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नगरीकरण के स्तर के घटते हुए क्रम में चार महाद्वीपों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो अवरोही क्रम आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और फिर उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, घटता हुआ क्रम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका सुमेलित करने का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको नगरीकरण की प्रक्रिया और नगरीकरण की अवस्था, ये तीन चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो इनको आपको मिलाना है। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपके तीन स्टेटमेंट हैं और ये आपके आंसर है, ठीक है। सेकंड का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और थर्ड का पहला। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके बाद किस राज्य का मतलब नंबर आता है, रैंकिंग आती है, तो ये आपको बताना है। थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है, ठीक है। चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या अधिक है, किस राज्य में शहरों की संख्या अधिक है, यह आपको बताना है। पांचवें का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगर को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नगण्य हैं, मतलब जो नगर को परिभाषित करने में यूज नहीं होता उसको आपको बताना है, ठीक है। छठवें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय विस्तार। चलिए आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये आपको बताना है। सातवें का सही आंसर है ऑप्शन डी, शंघाई है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है कहाँ पर? आठवें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, टोकियो, याकोहामा और नागोया के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। नवा नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ग फर्स्ट के नगरों में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का भाग कितने प्रतिशत है, आपको यह बताना है। तो नवे का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 70.2% है। चलिए आगे देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित महाद्वीपों में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है, तो सर्वाधिक नगरीकृत आपको बताना है, ठीक है। दसवें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नगरीकरण की दृष्टि से भारत किस टाइप का देश है, आपको यह बताना है। ग्यारह का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्यम निम्न नगरीय देश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बारहवां नंबर क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रकार के नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है, तो किस प्रकार के नगरों में? 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ग के नगरों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसको आपको बताना है। 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, कुल नगरीय जनसंख्या के योगदान में निम्नलिखित चार राज्यों का अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा आपको बताना है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं आपको ये बताना है, ठीक है। 14वें का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्न केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो किस में निवास करती है आपको ये बताना है। 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप में। 16वां नंबर क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 17वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी सत्ता वाले राज्यों का अवरोही क्रम, मतलब बड़ा से छोटा, आपको बताना है। ठीक है, 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरल। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगरीय अधिवास की छोटी इकाई कौन सी है, यह आपको बताना है। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी नगरी हेमलेट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली है। अगला देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के, किस टाइप के नगरों में हो रहा है, तो आपको ये बताना है। 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 5वें और 6वें वर्ग में सबसे ज़्यादा डिक्रीजमेंट आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मेगा शहर कौन सा है, यह आपको बताना है। 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। अगला देखते हैं, सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, यह आपको बताना है। ठीक है, सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1971 से 81 के मध्य। 24 नंबर क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है, तो ये आपको बताना है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न जन्म दर वहाँ की प्रमुख समस्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यह आपको बताना है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1.18%। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 26वां नंबर क्वेश्चन, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है, कारण क्या है, कारण क्या बताया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण का स्तर भारत से उच्चतर है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण गलत है। ठीक है, व्याख्या जो हो रही है वो सही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, नगरीय केंद्रों में पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है, तो यह आपको बताना है। 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकार है। 28वां नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है, यह आपको बताना है। 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 28 का डी टोक्यो। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट है। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, क्या क्या चीज़ें उत्पन्न करता है, 4 स्टेटमेंट हैं, देखिए पढ़िए और ट्राई करिए, ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही हैं, 4वां स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, 30वें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर ही है वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है, आपको बताना है। ठीक है, 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी यूरोप आपका सर्वाधिक नगरीकृत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका 32वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी मलिन बस्ती के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम। ठीक है, तो उसको आपको चूज़ करना है।
32 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले कहाँ, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे कम है, ठीक है, मलिन बस्तियाँ। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखी गई किस दशक में, आपको ये बताना है। 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 71 से 81 में, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, नगरी गलियारे संबंधित हैं, अर्बन कॉरिडोर जो संबंधित हैं किससे, आपको ये बताना है। 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नगरीय परिवहन संकटों से, ठीक है। अब ये आपका 35वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कई बार। 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो उसको आपको बताना है। 36 का सही आंसर है सी, कतर। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो उसको आपको बताना है। 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए ने, ठीक है, यूएसए ने सर्वप्रथम अपनाया। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख की आबादी वाला नगर नहीं है, मतलब 10 लाख की आबादी वाला कोई भी नगर नहीं है, तो वो कौन सा राज्य है, आपको उसको बताना है। तो 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में नहीं है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है, तो उसको बताना है। मध्यम नगरीकरण की अवस्था रही है, उसकी विशेषता रही है, ठीक है। तो 39 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1931 से 1961 के बीच में, ठीक है। अब आगे 40वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी ऊंचा है, ये कथन है, कारण क्या है, भारतीय नगर कम नियोजित हैं, ठीक है। चार ऑप्शन हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 41वां नंबर क्वेश्चन, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन नहीं सही है, ठीक है। 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरी केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, पहले भी पूछे गए, उसके बाद भी पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा मकसद है कि कम से कम जो रिपीटेड क्वेश्चन हो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भौतिक विस्तार। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, चार ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है, यह आपका स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ सुमेलित करने के लिए है, नगरीकृत और अधिकतम जनसंख्या वाली जनघनत्व, न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें चार ऑप्शन हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उसको आपको चूज करना है, ठीक है। 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का सेकंड, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा सुमेलित करके, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में नगरी केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है, तो ये आपको बताना है। 45 का सही आंसर है डी, 6 है। चलिए आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का क्रम कौन सा है, तो वह आपको बताना है। 46 का जो सही आंसर है सी, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र और गुजरात, ये उस समय पेपर में रहा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन को हटा दीजिए, इसको रहने दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 2011 की जनगणना है, ये तो लेटेस्ट है क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अभी हुई नहीं कोई जनगणना, 21 में होगी, तो ये 2011 की जनगणना का जो डेटा है हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और सही डेटा है दोस्तों, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है, और चार कोड दिए हुए हैं उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 4 2 3 1 आपका सही है। सबसे पहले गोवा है, फिर उसके बाद आपका मिजोरम है, ये आपका ये सेकंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, और थर्ड पे तमिलनाडु है और फर्स्ट पे आपका केरल है, ठीक है, तो ये क्रम है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो यह आपको बताना है। 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, नगरीकरण के स्तर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले कौन आएगा आपका, दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद चंडीगढ़ आएगा, फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप आएगा और लास्ट में दमनद्वीप आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण से क्या इफेक्ट हुआ है आपको बताना है। 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये आपको बताना है। 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 52 का बी गोवा में है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व तो सर्वाधिक है, तो ये आपको बताना है। 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में निम्नलिखित किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए यूपीपीसीएस 2013 में अपर में पीटी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जनगणना में। 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 54 का सी पंजाब। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, तो यह आपको बताना है 10 लाखी नगरों की संख्या, ठीक है। 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 53 है, ठीक है, 53 10 लाखी नगरों की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए यूपी आरओएआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था, यही समीक्षा अधिकारी का पेपर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समझ ही नहीं आएगा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो रिवाइज करने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि कम से कम जो आपके क्वेश्चन हैं रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम गलत ना हो, ठीक है। 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी बृहत परंपरा के, ठीक है, विशेषीकृत जो किया जाता है बृहत परंपरा के आधार पर किया जाता है। चलिए देखिए ये भी 2000 आरओएआरओ पीटी एग्जाम में आया था 2013 में, ठीक है। विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है, तो जो नहीं है उसी को आपको बताना है, बाकी तीन हैं, ठीक है।
57 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है, बाकी ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी आपकी उत्पादकता है, जीवन की गुणवत्ता है, क्षमता है। ठीक है, अब ये देखिए यूपी आपका RO ARO एग्ज़ाम मेंस 2013 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं। ठीक है, तो किस देश में किए गए हैं आपको यह बताना है। 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिको में। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है, तो उसको आपको बताना है। 59 का सही आंसर है बी दमन एंड दीव में। ठीक है, ये देखिए UPPCS PT एग्ज़ाम जो है आपका 2014 उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। यही क्वेश्चन देखिए 3 से 4 बार आ चुका है अभी तक। 61 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया था जो 2014 में हुआ था। ठीक है, तो शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है ये आपको बताना है। 61 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 37 करोड़ है। 62 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना, अब देखिए 2011 की जनगणना ही चल रही है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी कर दे। ठीक है, तो कम से कम रिपीटेड अगर हुआ तो कम से कम हमारा गलत तो नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो अब ये देखिए मेंस RO ARO 2014 में पूछ लिया है। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 31.2% है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए UPPCS Upper PT में पूछा गया था, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट हैं, आपको सही उत्तर को कोड के आधार पर चुनना है। 63 का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, ये आपका UP RO ARO 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कथनों कारण का, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, कारण क्या बताया जा रहा है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो रीजन इसका ये दिया जा रहा है, तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी ए और आर, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये भी देखिए 16 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, नगरीकरण के अवरोही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए 4 राज्यों के नाम दे दिए हैं, अब ऐसे नगरीकरण पूछ लेगा कि क्या इसका सिक्वेंस है। अब ये UP RO ARO जो 16 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा है, अब लेटेस्ट का एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले क्या है गोवा में है, फिर उसके बाद आपका मिजोरम है, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर उसके बाद केरल है। 66 नंबर क्वेश्चन, ये भी RO ARO 2016 एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस नगरी समूहों का नहीं है, तो किस राज्य में नहीं है, कोई भी नगर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 66 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है और 16 में रिपीट किया है, आप देखिएगा यही क्वेश्चन, आप शुरुआत में जाएंगे दोबारा वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा तिबारा, कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसकी दर्शित हुई है, तो अब देखिए ये भी RO ARO एग्ज़ाम आपका 2016 में पूछा गया है, लेटेस्ट का ही है क्वेश्चन। 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई और दिल्ली की। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपको बताना है मलिन बस्ती संख्या सर्वाधिक है, MPPC 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन
सी दिल्ली में है, ठीक है। अब 69 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन या 10 लाख ही नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है, ठीक है। तो 69 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत है, ये UPPCS में 2016 में पूछा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 2016 में घोषित स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 20 शहरों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्थान पर है, तो शीर्ष में जो है उसको आपको बताना है। 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर है, ठीक है, उस समय रहा होगा। करंट का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है, ठीक। चलिए दोस्तों, ये हम लोगों का जनसंख्या नगरीकरण वर्ल्ड का हो गया। कम से कम अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर इससे मिल जाते हैं 70 क्वेश्चन में से, तो वहाँ दोस्तों एग्ज़ाम में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जोड़ के आप लोग बाहर, ऐसा नहीं होता कि आप 15 या 20 क्वेश्चन से बाहर होते हैं, नहीं, एक या दो क्वेश्चन से ही बाहर होते हैं। तो कम से कम आपके एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं से जोड़ तोड़ के, इधर उधर से कहीं कुछ इस मैटर से आप ले के आइए, ठीक है। और मेरा देने का मकसद बस ये होता है, अगर 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी ही फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचा सके, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।